मालती को एक नए घर में काम मिला था। वो अमीरों के घरों में साफ सफाई का काम करती थी और महीने के 8,000 रुपए कमाती थी। और कुछ ही दिन पहले उसके पास एक नए काम का ऑफर आया। सुबह से लेकर शाम तक काम करना होगा। मालती ने बाकी के घरों में काम करना बंद कर दिया और सुबह सुबह उस नए घर के सामने आ गई। आज ही इस घर में उसका पहला दिन था। पता नहीं घर के मालिक कैसे होंगे, जो भी हो काम तो करना ही होगा, पापी पेट का जो सवाल है। ये सोचकर मालती घर के अंदर घुस गई और अचानक से उसके साथ कुछ हुआ जिसकी वो उम्मीद भी नहीं कर रही थी। एक बड़ा सा विदेशी कुत्ता दौड़ते हुए आया और मालती के हाथ में काट लिया और जोर जोर से भौंकता रहा। मालती के हाथ से खून निकलने लगा। आ, बहुत जोर से काटा है। इस कुत्ते के बारे में मालती को पता नहीं था। चिल्लाने की आवाज सुनकर घर की मालकिन नमिता वहां आई और हंसते हुए कहा, इसने काट लिया क्या? बदमाश टॉमी, बहुत दर्द हो रहा है मालकिन। दर्द तो होगा ही, टॉमी के दांत बहुत मजबूत हैं। विदेश से लाई हूँ ना, पूरे 2 लाख रुपए में खरीदा है। मालती के हाथ से खून टपक रहा था लेकिन नमिता को सिर्फ मजाक सूझ रहा था। उसने खड़े खड़े टॉमी का गुणगान करना शुरू कर दिया। मालती ने हाथ धोया और वहां पट्टी बांधकर काम करना शुरू कर दिया। कल अस्पताल जाकर इंजेक्शन लगवा लेना, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। पैसे दीजिए ना मालकिन, आप ही के कुत्ते ने तो काटा है। खबरदार मेरे टॉमी को कुत्ता मत बोलना, मेरा बेटा है वो, और आज पहले दिन ही पैसा मांग रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ज्यादा पैसा पैसा किया ना तो काम से निकाल दूंगी। मिताली मुश्किल में पड़ गई। उसने बाकी घरों में काम छोड़ दिया था, अब ये घर भी हाथ से निकल जाता तो मिताली बेरोजगार हो जाती। इसीलिए वो चुप हो गई और चुपचाप काम करने लगी। सरकारी अस्पताल जाकर उसने इंजेक्शन लगवा लिया। अगले दिन डर डर के वो नमिता के घर में घुसी। टॉमी फिर से भौंकते हुए दौड़ कर आया। अरे अरे छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ो। अरे डरो मत, वो बस खेलना चाहता है, मेरा बच्चा, बदमाश टॉमी। आज टॉमी ने काटा तो नहीं लेकिन वो मिताली के आसपास घूमने लगा और मुंह से गुस्से वाली आवाज निकालने लगा। मिताली डर डर कर सारा काम करने लगी। उसके हाथ में बहुत दर्द था। दर्द लेकर ही वो खाना बनाने लगी। काम खत्म करके वो शाम को उस घर से बाहर निकली और उसने देखा रास्ते पर एक कुत्ता पड़ा हुआ है और वो मुंह से दर्दनाक आवाज निकाल रहा है। अरे इस कुत्ते को क्या हो गया, बेचारा कुत्ता, क्या करूं? मिताली ने अपने हाथ से पट्टी खोलकर उस कुत्ते के पैर पर बांध दिया और उस रास्ते के कुत्ते के साथ मिताली की दोस्ती हो गई। अगले दिन जब मिताली उस रास्ते से आई तब वो कुत्ता चल फिर पा रहा था। वो दौड़कर मिताली के पास गया और जोर जोर से दुम हिलाने लगा। अरे मेरा बच्चा ठीक हो गया, आज से तेरा नाम भोलू है, ठीक है? भोलू दुम हिलाते हुए मिताली के साथ नमिता के घर के पास आया और तभी उसे टॉमी ने देख लिया और गुस्से से लाल होकर टॉमी दौड़ते हुए भोलू पर अटैक करने के लिए आगे आया। भोलू भोलू भाग भोलू, ये कुत्ता तुझे मार डालेगा, भाग भोलू। भोलू जान बचाने के लिए तेजी से भागा। टॉमी भी कुछ देर भाग के गया और फिर वापस आकर मिताली के सामने भौंकने लगा। नमिता ने मिताली से कहा, सुनो लड़की, मैं नहीं चाहती कि कोई रास्ते का गंदा कुत्ता मेरे घर के आसपास भी भटके, समझ गई? ठीक है मालकिन, समझ गई, भोलू और नहीं आएगा। क्या नाम है उसका? भोलू। क्या बुद्धुओं की तरह नाम देते हो तुम लोग, गरीब लोग गरीबों के जैसा ही नाम देंगे ना। मेरे कुत्ते का नाम देखो, टॉमी है, सुन के ही लगता है कि ये कोई विदेशी ब्रीड है। लेकिन कुत्ता तो कुत्ता होता है मालकिन, चाहे देसी हो या विदेशी। तुमने फिर से मेरे टॉमी को कुत्ता कहा, मैं तुम्हें इस महीने सैलरी नहीं दूंगी। नहीं नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने कहा था ना, टॉमी कुत्ता नहीं है, मेरा बेटा है, ये सुख दुख में मेरा साथ देता है, तेरे पालतू कुत्ते की तरह रास्ते पर गंदगी से नहीं खेलता, समझ गई? नमिता ने मालती को गरीबों की हैसियत दिखा दी। नमिता हर शाम काम से निकलकर भोलू को खाना खिलाने लगी और नमिता के घर पर सुबह से लेकर शाम तक टॉमी के खौफ में जीने लगी। पेट के लिए क्या क्या करना पड़ता है गरीबों को। नमिता टॉमी को हर रोज चिकन मटन खिलाती थी लेकिन मालती को सूखी रोटी खाने को देती थी। मालकिन ये कैसा नियम है, टॉमी के लिए चिकन मटन और मेरे लिए सूखी रोटियां? हाँ तो क्या हो गया, तुझे तो सूखी रोटी खाने की आदत है ना, टॉमी को नहीं है। टॉमी की कीमत पता है ना तुझे, तेरी जिंदगी से भी कीमती है मेरा टॉमी। एक गरीब की जिंदगी की कीमत एक कुत्ते से भी कम है क्या? मालती ये नहीं मान पाई लेकिन वो कर भी क्या सकती थी।
ऐसे ही दिन बीतता रहा। नमिता को टॉमी की कोई गलती नहीं दिखती थी। टॉमी पूरा दिन मालती को परेशान करता था। मालती घर साफ करती थी और टॉमी तुरंत गंदा कर देता था। देखिए ना मालकिन, मैंने अभी अभी घर साफ किया था लेकिन टॉमी ने गंदा कर दिया। हाँ तो क्या हो गया? मेरा टॉमी कुछ भी कर सकता है, बच्चा है वो मेरा, और तुझे तो सफाई करने के लिए रखा है ना, जा फिर से साफ कर। दिन ब दिन टॉमी और बदमाश होता जा रहा था और इसमें गलती नमिता की थी। वही अपने कुत्ते को सिर पर चढ़ाकर रखती थी। मालती टॉमी से बहुत गुस्सा थी लेकिन शाम को भोलू को देखते ही मालती का सारा गुस्सा उतर जाता था। भोलू मालती के इंतजार में बैठा रहता था और शाम को मालती उसे घर ले जाती थी, उसे खाना खिलाकर अपने साथ सुलाती थी और सुबह भोलू मालती के साथ ही निकल आता था। वो नमिता के घर के आसपास ही भटकता रहता था लेकिन टॉमी के डर से कभी सामने नहीं आता था। ऐसे ही एक दिन मालती काम खत्म करके बाहर निकली ही थी कि तभी एक कांड हो गया। टॉमी सुबह से गैस सिलेंडर के पास खेल रहा था। उसने सिलेंडर पर धक्का मारा और गैस लीक होना शुरू हो गया। मालती घर से बाहर आई ही थी कि तभी जोरदार धमाका हुआ और घर में आग लग गई। घर के अंदर नमिता फंसी हुई थी। बचाओ, कोई बचाओ मुझे। घर के आसपास चार लोग आ गए लेकिन आग बहुत तेज थी, कोई भी घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। टॉमी नमिता को बचाने की जगह खुद बचने के लिए खिड़की से छलांग लगाकर घर से बाहर चलाया। नहीं टॉमी मत जा, मुझे बचा, तू तो मेरा बेटा है ना। लेकिन टॉमी ने ध्यान ही नहीं दिया। बाहर निकलते ही उसने दो तीन लोगों को काट लिया। अंदर से नमिता चिल्ला रही थी। मिताली भी घबरा गई थी, मालकिन को कैसे बचाऊं, क्या करूं। और तभी कहीं से भोलू दौड़ते हुए आया और खिड़की से घर के अंदर घुस गया। उसने अपने दांतों से नमिता के बाल पकड़ लिए और उसे खींचकर खिड़की से बाहर निकाला। वाह भोलू, तूने तो कमाल कर दिया। भोलू को देखकर टॉमी गुस्सा हो गया और उसे काटने के लिए आगे आया। लेकिन तभी नमिता ने, नालायक कहीं के, सिर्फ खाना और दूसरों को काटना जानते हो। जिसने खिलाया पिलाया उसे बचाने की जगह खुद की जान बचाकर भाग रहे थे। मैं आज ही तुझे जंगल में छोड़कर आऊंगी। टॉमी को बांध दिया गया, आग को बुझाया गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आकर टॉमी को ले गए। नमिता ने मिताली से माफी मांगी और उसने भोलू को अपना लिया। एक गरीब के कुत्ते ने अमीर की जान बचाई और उसके बाद से वो लोग खुशी खुशी रहने लगे।